प्रतीक सहजपाल के खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में एविक्शन को लेकर प्रतीक सहजपाल का आया रिएक्शन, लेकिन आखिरकार प्रतीक सहजपाल के इस रिएक्शन से फैंस क्यों जता रहे हैं नाराजगी? वेल, क्या है ये पूरी अपडेट हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। हेलो, आपको बता दूं कि प्रतीक सहजपाल जो कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के जबरदस्त कंटेस्टेंट माने जाते थे और कहीं ना कहीं फैंस को ये एक्सपेक्टेशन भी था कि बिग बॉस OTT नहीं, बिग बॉस सीजन 15 नहीं तो कम से कम खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के विनर प्रतीक सहजपाल तो बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन जब से प्रतीक सहजपाल को लेकर ये खबरें सामने आई हैं कि प्रतीक सहजपाल शो से एविक्ट हो चुके हैं, बैक टू बैक प्रतीक सहजपाल के फैंडम प्रतीक सहजपाल को लेकर नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रतीक सहजपाल ने जब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया कि वो बेहद ही ज़्यादा खुश हैं प्रतीक फैम से, बेहद ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और दिल से थैंक्स कहते नज़र आए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रतीक सहजपाल के इस मैसेज को देखकर फैंस नाराज़गी जताते नज़र आ रहे हैं। फैंस का ये मानना है कि टॉप 3 में वो कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल को देख रहे थे और एटलीस्ट इस बार तो प्रतीक सहजपाल को उनके फैंडम के बारे में सोचना चाहिए और किसी तरीके से शो में ज़रूर आगे जाना चाहिए था। इसके साथ साथ फैंस का ये भी मानना है कि जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं अगर वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी होते हैं शो में आगे जाने के लिए, लेकिन कलर्स जो है वो अपने हर शो को स्क्रिप्टेड बनाता है और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही सभी चीज़ें चलती हैं और यहाँ कंटेस्टेंट भी सिर्फ पैसे कमाने आते हैं, ना कि शो को जीतने के लिए आते हैं। वेल, आखिरकार आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।